अरुण, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बोलो। पर कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। मुँह से कहो। अरुण, आई एम डन विद यू। अब मेरे से नहीं हो पा रहा। तुम ख़त्म करते हैं सब। तू क्या सोच रही है, तेरे बिना रह नहीं पाऊँगा मैं? अबे तू देख, 2 साल के अंदर मेरे पास गाड़ी, बंगला, सब कुछ होगा। चल। राम राम जी। राम राम अंकल जी। अंकल जी, कोई ऐसी साड़ी दिखा देना कि बस देख के मजा ही आ जाए। जी बिल्कुल। ए धीरज, जा अरुण को बुलाओ उधर से। जी बुला रहा हूँ। अरुण, अरे यार क्या कर रहे हैं यार, देर क्यों हो रही है, बुलाओ जल्दी। अरे देख के ले भाई, अरुण को कहाँ जाके बैठ गया। देख रहा हूँ। अरुण, अरुण तू क्या कर रहा है? क्या प्लीज सब बुला रहे हैं। अच्छा चलना तेरी तो उठाई उठाई। तू तो तुझे क्या मतलब है? छोटू चल साड़ी दिखा। अगर छोटू बोल रही है, इसको बोला है 200 वाली साड़ी नहीं मिलती, चल निकल यहाँ से। अरे इसको यहाँ भेज दो जरा। चा भाई बुला रहे हैं उधर। बेटा सुन, अगर कस्टमर को तूने जरा सा भी नुकसान पहुँचाया तो तेरी हाफ सैलरी कट है। तो जाके अब साड़ी दिखा चुपचाप। क्या है, क्या चाहिए तेरे को? मुझे जो चाहिए तू वो देने की तेरी औकात नहीं है। तो एक काम कर, साड़ी दिखा दे। अंकल औकात की बात कर रही है, देखो मेरे औकात क्या जानते हो मेरे बारे में तुम? पता क्या क्या है मेरे पास? क्या क्या है बता। अंकल आप बेस रहे हो, मैं बताता हूँ मेरे पास क्या क्या है। देख मैं बताता हूँ। सोच ले सोच ले, कहानी बना ले। अपने पीछे देख वो गाड़ी, वाओ तेरी है। गाड़ी के पीछे देख साइकिल खड़ी है, हीरो की साइकिल 3500 रुपए की, तो तेरी जिंदगी भर की कमाई है। अंकल अंकल आप भी हंस रहे हो यार, यार तेरी तरह तो नहीं हूँ ना, पैदल आने वाली साइकिल पे चलता हूँ, समझी? अच्छा तुझे किसने बताया कि मैं पैदल आई हूँ बता? तुझे पता है मेरा बॉयफ्रेंड है ना, मुझे जमीन पे पैर भी नहीं रखने देता। पता है 5 गाड़ियाँ उसके पास, बड़ी बड़ी, यही आसपास में 5-6 शोरूम है, तेरे से 36 काम करते हैं उसके अंदर। मेरे को बता रहा है पैदल चलने के लिए। शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई तुझे? क्यों? 6 महीने में दूसरा बना लिया है, शर्म नहीं आई तुझे? हाँ? कौन है वो करम जला? अरे वो कौन है क्या है वो सब तो छोड़, तो एक काम कर मुझे ना साड़ी दिखा, और ऐसी साड़ी दिखाइयो कि जिसमें ना मुझे देखे बस खुश हो जाए। नहीं खुश हो जाए। शकल देखिए अंकल, नागिन एक नंबर की, इसको वो साड़ी दिखाओ जिसपे सांप छपे हुए ना, सांप ऐसे करके फन बना के खड़े हुए। और धीरज वो साड़ी दे जिसपे सांप छपे हुए। चल चल अपने बाप को मुझे खुद ले ले। अंकल देखिए इसकी कितनी इज्जत है। दोस्त है वो, कुछ भी कह सकता है। क्या कर रही है? दे सकता हूँ तमीज से बोल थोड़ा यार। आई एम एजुकेटेड पर्सन मैन। क्या है मालिक के चमचे? खुद कर लो, मैं नहीं कर रहा काम। मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। आ जाओ भाई। मालिक से पिटता है। अरे जा। अंकल देखिए इसकी इज्जत। अंकल अंकल आप भी हंस रहे हो। मैं क्या करूं, ये हमारा प्यार है, ये मालिक और नौकर का प्यार है, तू क्या समझेगी? पता है जब तक हम ऐसी दुकान में घुसते नहीं, जब तक ऐसे मालिक किसी चप्पल ऐसे मुंह पे सटाक दे नाम ना पड़े ना, तब तक ऐसा लगता है दुकान खुली नहीं है, समझी? ये प्यार है हमारा। अरे जा कवर मत कर, चल साड़ी दिखा, बहुत बहोगी तेरी बकवास। देख
ये वाली तेरे मुंह पे अच्छी लगेगी नहीं, ये वाली तेरे औकात से बाहर है। और मैं ओह नो मैडम, ये वाली आपके लिए बहुत प्यारी लगेगी, और अंकल ये वाली आप पे बहुत अच्छी लगेगी ये वाली। और अच्छा अरुण, ये वाली जरा पहन के ट्राई करके दिखा। हाँ हाँ पहन के दिखाओ। मालिक मुझे पहनने का आती है, मैं पहना दूँ ना। हाँ हाँ चल धीरे पहना दे, चल चल। करना हाँ घूंघट क्या यहाँ, और बना दे। और देख ये पल्लू है। हाँ घूम जरा, घूम पीछे घूम। मालिक अरे नहीं ठीक से पहनना, पीछे घूम इधर घूम। मालिक एक एक काम कर, पल्लू पीछे ले पीछे ले, ठीक से करना अरुण। अरे क्लाइंट हूँ मैं तेरी, चल जल्दी कर, घूम पीछे घूम पीछे घूम। हाँ ये हुई ना बात, अच्छा चल आगे घूम जरा। हाँ 5 रुपए और दूंगी, एक बार और कर दे, एक बार पूरा घूम जाए। ये साथी फेल कल आप भी मजे ले रहे हो ना। मैं कह रही हूँ मैं क्या करूँ, दिखाना चाहिए इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कर कर करके दिखा। मालिक देखो ना, कर कर चुपचाप, मैं नहीं कर रहा। मालिक मैं कपड़े मैं मालिक मैं दिखा रहा हूँ ना, कपड़े दिखा रहा हूँ ना। तुझे क्या पता हुनर की कदर, इसे कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अच्छा ओ छोड़ तो, तेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है, मिला उससे कहाँ है? तेरी तरह ना इतना फालतू नहीं है वो, लंदन में उसका शोरूम खुलने वाला है, बहुत बिजी रहता है। बुलाऊं कॉल करके? बुला बुला, आज मिलवाती हूँ तेरे को। हेलो बेबी। हाँ बेबी। अच्छा बेबी सुनो ना, थोड़ा इधर आ जाओ ना, किसी से मिलवाना है तुम्हें। अरे है कोई जाहिल एकदम। अभी आ रहा हूँ, अभी अभी। हाँ बेटा तुझे चाय चाहिए थी? 5 और 1 मिनट। आप ये बताइए चाय लेंगी या ठंडा लेंगी? चाय 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 बुलवाओ जरा इनके लिए। क्या चाय बुलवाइए, कस्टमर है। हेलो हाँ भैया, हाँ चार चाय भेज लो। चार चाय अभी ला रहे हैं, ला रहे हैं। ठीक है आ रही है, जरा राल में टप्पा। चाय आ गई आपकी, ले लो चाय। बेबी ये तो तुम बेबी। नहीं कोई नहीं। अरे चाय बेबी, ले लो चाय, लो चाय, लो चाय। अरे नहीं कोई नहीं, कोई नहीं है। अरे अपने मुंह से कोई नहीं है। अरे नहीं, अरे बेबी अपने मुंह से कपड़ा तो हटाओ। कोई नहीं है। क्यों क्या हो गया, तुम चाय का काम करने लगे? मैं मां बन गया। तुम आदमी हो कैसे? माता रानी की कृपा हो गई मेरे ऊपर, मैं मां बन गया, मां बन गया। बेबी मुंह तो दिखाओ। मां बन गया, मां बन गया। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मुझे साड़ी पहननी चाहिए था। नहीं 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 नहीं, कपड़ा उतारो, इसका कपड़ा उतारो। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी खराब हो गई। मैं कहा बेबी इसको तो देख लेते, ये तो तुमसे अच्छा है। बेबी क्या किया तुमने? हाय कैसे आप लोग, सो वीडियो देख लिया आपने, कैसी लगी बता देना, कमेंट कर देना वीडियो के लिए। पार्ट 2 कैसा लगा, पार्ट 3 चाहिए तो भी बता देना, तो पार्ट 3 भी बनाएंगे हम लोग। तो ये वीडियो जो सपोर्ट जिसका सपोर्ट मिला है वो है आरजी क्रिएशन दिल्ली चांदनी चौक में, इनका शॉप है साड़ी का। सो बाकी बताएंगे ब्रजेश जी हमारे। नमस्कार, हमारी शॉप 4234 जोगीवाड़ा नई सड़क चांदनी चौक दिल्ली 6 में है। यहाँ पर साड़ीज़ फैंसी साड़ीज़ की फुल वैरायटी और लहंगा फुल वैरायटी में मिलता है, एक बार आप यहाँ पर अवश्य पधारें। धन्यवाद। ज़रूर पधारें, ज़रूर आएँ, और बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है तो आओ ज़रूर और देखो यार, आगे खरीदिए। थैंक यू सो मच।